यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार जा चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी जारी है। नया मामला जौनपुर के सराय ख्वाजा थाने के कुतुबपुर विटवा गांव का है। यहां समाजवादी पार्टी के विधायक जगदीश सोनकर के भाई की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। महिलाएं चिल्ला रही थी, बचा लो बचा लो बचा लो। है के भाई बंदूक वालों के साथ गुंडागर्दी का लाइसेंस लेकर आए थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास ना सूबे का राज है और ना ताज, लेकिन दबंगई की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो बताती हैं कि कानून बहुत बौना है समाजवादी पार्टी के नेता दीपचंद्र सोनकर की गुंडागर्दी के सामने। गुंडागर्दी की इस कहानी को सुनने से पहले ये समझ लें कि इसमें जो मारने और पीटने और पकड़ने की बात कर रहे हैं वही है दीपचंद्र सोनकर। कुतुबपुर भिटवा गांव के ब्लॉक प्रमुख हैं और समाजवादी पार्टी के जौनपुर के विधायक जगदीश सोनकर के भाई हैं दीपचंद्र। महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था दीपचंद्र सोनकर के इशारों पर। कानून की छाती पर चढ़कर लाठी घुमाए जा रहे थे दीपचंद्र सोनकर के गुंडे। पूरा मामला दलित बस्ती के रास्ते को लेकर शुरू हुआ था। दलित बस्ती के लोग जिस जमीन से होकर रास्ता मांग रहे थे उसे ब्लॉक प्रमुख दीपचंद्र सोनकर सोसाइटी बनाकर बेच रहे थे। इसी जमीन और सड़क को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। 14 दिसंबर को महिलाएं रास्ता मांगने के लिए धरने पर बैठ गई थी। दीपचंद्र सोनकर को पता चला तो उनके गुर्गों ने महिलाओं की पिटाई शुरू कर दी। विधायक जगदीश सोनकर के भाई दीपचंद्र सोनकर की गुंडागर्दी के सामने लेखपाल, दारोगा, कानून, किसी का कोई मतलब नहीं था। 14 दिसंबर की खबर पीड़ित परिवार वाले डीएम एसपी के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वीडियो वायरल हो गया तो अफसरों की नींद खुली है। एसपी बोल रहे हैं विधायक का भाई है तो क्या हुआ, तहसीलदार, जज, सब वो खुद ही बच जाएगा। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक को पकड़ लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। अब गिरफ्तारी का खौफ सता रहा है तो दीपचंद्र सोनकर का डर भी बाहर आ रहा है। कल तक खुद ही सुप्रीम कोर्ट हो गए थे, अब सारी हेकड़ी हवा हो गई है। वो हरिजन पक्ष लोगों ने कहा हमको 5 फीट चाहिए। इसी बात को लेके प्रजापति और वहाँ के लोकल लोग सब लोग अपने में अदा पत्थर चलाने लगे तो काफी विवाद हुआ, मेरे सामने ही हुआ। मैं कुछ लड़के लोग औरतों लोग को मारने लगे। मैं चिल्लाकर मैंने जब बोला भी कि देखो उन लोग को मार रहे हैं, हाथ दिखा के मैंने रुकाने की कोशिश की। सोचिए, समाजवादी पार्टी की अब सरकार तक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अकड़ देख रहे हैं आप। दीपचंद्र सोनकर को 14 दिसंबर को शहर का बच्चा बच्चा देख रहा था, लेकिन पुलिस नहीं देख पाई। अब वीडियो के साथ साथ शहर में सवाल भी घूम रहा है, क्या विधायक के रसूख के सामने कांपने वाली पुलिस दीपचंद्र सोनकर को पकड़ पाएगी।